हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। चलिए आज फिर मैं आपके लिए एक ऐसी रेसिपी लेके आई हूँ जिसमें ना आपको गैस जलाना है, ना आपको कोई तामझाम करना है, ना कोई चाशनी बनानी है, ना कुछ फ्राई करना है। और इसे बनाना इतना आसान है फ्रेंड्स, आप ही देखते रह जाएंगे। और बनेगा किसे, सिर्फ बिस्किट से। बिस्किट से इतनी शानदार मिठाई, वो भी आप त्यौहार पर बना सकते हैं, राखी पर बना सकते हैं, जब आपका मन करे, या फिर कुछ मीठा खाने का मन हो तब भी आप इसे बना करके तुरंत खा सकते हैं। और ज़्यादा मेहनत भी नहीं है, 2-3 इंग्रेडिएंट्स लगेंगे, वो भी घर में रखे हुए हैं, सब भी आपके पास, उसी से बनाना है। तो इसे बनाना कितना आसान है वो मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। जहाँ तक है कि आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी, और फ्रेंड्स मुझे पता है आपको ये रेसिपी सच में बहुत पसंद आएगी, बच्चों की तो फेवरेट होती है, तो आप चाहे तो बच्चों को इसे इस तरह से बना करके दे दीजिए, या मिठाई में नाश्ते के साथ कोई गेस्ट आ जाए तब आप इसे बना करके इस तरह से रख सकते हैं। इससे बहुत ही टेस्टी और लुक भी इसका बहुत अच्छा आता है। तो फ्रेंड्स इस रेसिपी को बनाने के लिए चलें वैष्णवी किचन में, तो आइए फ्रेंड्स मेरे साथ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल त्रिकूट वैष्णवी किचन। आज मैं आपके लिए पार्ले जी और ओरियो से बनाने वाली हूँ एकदम शानदार मिठाई। तो मैंने यहाँ पर 4 बिस्किट के पैकेट लिए हैं, 2 ओरियो के, 1 टाइगर और 1 पार्ले जी। और इन सभी को निकाल करके हम प्लेट के अंदर रख लेंगे। बस आपको ये ध्यान रखना है कलर दोनों के सेम नहीं होने चाहिए, जैसे ओरियो का है थोड़ा सा कॉफ़ी कलर में है, और पार्ले जी और क्रंच टाइगर जो है वो दोनों एक से कलर के हैं। बस इसी तरह के कलर आपको लेने हैं अलग अलग। उससे क्या होगा कि हम इसको जो डबल शेड में मिठाई बनाने वाले हैं ना, वो इसी से बनेगी, इसी तरह बनेगी। तो मैंने पार्ले जी रखा था मेरे पास एक, और एक क्रंच टाइगर था, तो मैंने दोनों को ही यूज़ में ले लिया। और अब इसको बनाना कैसे है वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो इसे बनाना बहुत आसान है फ्रेंड्स। एक ग्राइंडिंग जार लीजिए, और दोनों बिस्किट को हमें अलग अलग ग्राइंड करना है। आपको बस एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, हमें इसको एक साथ ग्राइंड नहीं करना है। अलग अलग ग्राइंड करेंगे तो पहले मैंने पार्ले जी और क्रंच टाइगर को एक साथ ग्राइंड कर लिया है, और ग्राइंड करके इसका स्मूथ सा पाउडर बनाना है। बिल्कुल देखिए, बिल्कुल पाउडर के जैसा हो गया ना ये, इस तरह का पाउडर आपको बनाना है इसको ग्राइंड करने के बाद में। अब हम इसको निकाल लेंगे एक बर्तन के अंदर। तो मैंने इसको निकाल लिया है फ्रेंड्स यहाँ पर। इसी के साथ इसी जार के अंदर आपको दूसरा बिस्किट भी ग्राइंड करना है। तो दूसरा बिस्किट हमारा कौन सा, ओरियो बिस्किट है। तो ओरियो बिस्किट को भी हम इसी के अंदर जार के अंदर डालेंगे, थोड़ा सा क्रश करके डाल दीजिए, बहुत अच्छे से ग्राइंड हो जाएगा, जल्दी ग्राइंड हो जाएगा। और अगर आप ऐसे करके नहीं डालना चाहते क्रश करके, तो वैसे भी डाल सकते हैं, वैसे भी जाएगा। अब मैंने इसमें थोड़ा सा कोको पाउडर ऐड कर दिया, कलर प्लस थोड़ा सा टेस्ट। साथ ही में मैंने यहाँ पर छोटी 2 चम्मच चीनी की ऐड करी है, वो मैं आपको आगे बताऊंगी कि क्यों, क्योंकि बिस्किट में तो चीनी है, हमें चीनी डालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं इसको आपको आगे बताती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है। अब आप एक ख़ास बात नोट करिएगा इसमें, इस बिस्किट में चीनी बिल्कुल नहीं पिसी है। आप देख सकते हैं चीनी कैसे इसके अंदर चंक्स है चीनी के। बस यही टेस्ट हमें चाहिए, यही हमें चाहिए था, और इसी से आएगा असली टेस्ट। अब तो बस आप देखते जाइए कि इसको कैसे क्या करना है। अब मैंने दोनों का पाउडर बना लिया है बिस्किट का, अब हम इसका डो लगाएंगे। तो डो लगाने के लिए हमने यहाँ पर लिया है थोड़ा सा दूध, आपको भी इसी तरह से दूध लेना है, थोड़ा थोड़ा करके डालना है ऐसे चम्मच से, ज़्यादा नहीं डालना है, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा लिक्विड में हो सकता है। इसलिए मैंने यहाँ 2 चम्मच छोटी वाली डाली है दूध की। अब इसको मिक्स कर रहे हैं हम, इसको मिक्स कर लेंगे, थोड़ा सा ये ड्राई हो जाएगा तो हम इसमें डालेंगे घी। अब ये देखिए मैंने इसको मिक्स कर लिया, यहाँ पर मैंने 1 चम्मच घी की इसमें ऐड कर दिया, ज़्यादा नहीं डालना है, बस 1 चम्मच काफ़ी है। अब क्या करना है, इसको डो के जैसा लगा करके रेडी करना है। तो इसे आप इस तरह से हाथों से गूंथते हुए, जैसे बनाते हैं हम रोटी का आटा लगाते हैं, बिल्कुल वैसे ही इसको इस तरह से डो के फॉर्म में लाना है। अब ये तो बन के रेडी हो गया है, यानी कि डो बन गया है ना इसका। तो बस इसी तरह से हमें क्या करना है, ओरियो का भी डो लगा करके रेडी करना है। लेकिन ओरियो में एक और ख़ास बात है, उसमें एक इंग्रेडिएंट्स हमें और ऐड करना है, जिससे इसका टेस्ट डबल हो जाएगा, यानी कि 2 तरह का टेस्ट आपको आएगा इसके अंदर। तो वो देखिए कैसे, तो मैंने यहाँ पर डाल दिया है ओरियो को एक प्लेट के अंदर, इसमें थोड़ी सी करके 1-1 चम्मच करके मैंने दूध की ऐड करी है, और आपको भी ऐसे थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है, नहीं तो लिक्विड में हो जाएगा। तो मैंने करीब 4 चम्मच दूध की डाली है छोटी, 1 चम्मच घी की डाली है ना,
एक से दो चम्मच ले सकते हैं आप। उससे क्या होगा, इसके अंदर बहुत अच्छा टेक्सचर आ जाएगा, घी में टेस्ट भी आएगा आपको। और अब इसको मिक्स करना है आपको, तो ये थोड़ा सा आपको लिक्विड में दिख रहा है, बस इसी तरह का लिक्विड करना है, क्योंकि हम इसमें मैंने जैसे आपको बताया एक इंग्रेडिएंट्स और डालने वाली हूँ जिससे कि इसका टेस्ट डबल हो जाएगा। तो बस आप देखती जाइए वो एक इंग्रेडिएंट्स और क्या है। तो मैंने यहाँ पर एक कटोरी नारियल का बुरादा लिया है, यानी कि डेसिकेटेड कोकोनट, जिसे हमने इसके अंदर डाल दिया है। तो आपको इस मिठाई के अंदर कोकोनट का भी टेस्ट आएगा और बिस्किट का भी। बिस्किट का तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये सच में बिस्किट से बनी हुई है, क्योंकि हमने जो इसके अंदर टेस्ट डाला है ना, एक तो कोको पाउडर का और कोकोनट का, तो इन दोनों का ही टेस्ट आपको ज़्यादा आने वाला है। इसके अलावा आपको पता नहीं चलेगा कि ये पार्ले जी से या क्रंच टाइगर से या ओरियो से बना हुआ है। तो ये देखिए इस तरह से कर लिया है मैंने इसको। अब हम इसको अच्छे से मैश कर लेंगे, डो लगा लेंगे इसका अच्छे से। तो इसको मैंने इस तरह से डो के फॉर्म में रख लिया है। तो फ्रेंड्स अब हमें क्या करना है, दोनों का ही डो लगा लिया है मैंने, आप देख सकते हैं। अब हमें क्या करना है, एक पॉली बैग लेना है, उसके अंदर आपको इसको जो लोई हमने बनाई है बिस्किट की, इसको रखना है जो हमने डो लगाया है ना। तो पहले हम रख रहे हैं ओरियो वाला, और इसको आप चाहें तो हाथों से ही प्रेस करते हुए इसको बेल सकते हैं, और नहीं तो आप बेलन का यूज़ कर सकते हैं। बेलन से आपको इसको बेलना है, बस ये थोड़ा फटेगा तो इसको आपको हाथों से दबाते हुए इसको सही करते रहना है ना, इस तरह से। तो बेलन से जब हम इसको बेलेंगे, प्रेस करेंगे, तो साइडों से थोड़ा थोड़ा सा फट सकता है। तो जैसे पन्नी हमने लगाई ना, उसका यही फ़ायदा है कि ये फट करके हटेगा नहीं। अब इसी तरह से मैंने पार्ले जी और क्रंच टाइगर का जो पेस्ट था ना, जो डो लगा रखा था, उसको भी मैंने इसी तरह से बेला है। पहले हाथों से मैंने थोड़ा सा इसको प्रेस कर दिया है, फिर बेलन की सहायता से मैंने इसको बेल लिया है। अब क्या करना है, अब मैंने जो ये दोनों थे ना, दोनों चपातियाँ बेली है, इनको एक के ऊपर एक रख दिए मैंने। ये देखिए नीचे ओरियो वाला है, ऊपर पार्ले जी वाला है। पार्ले जी के देखिए चंक्स थोड़े से आपको आएंगे इसके अंदर, टेस्ट में बहुत अच्छे लगेंगे। अब बस आपको इसको रोल करना है, धीरे धीरे आपको इस तरह से रोल करते जाना है, और पॉली बैग को साइड से हटाते जाना है। इस तरह से आपको पूरा रोल करना है। अब आप देख सकते हैं कितनी आसानी से रोल हो रहा है, सिर्फ मैं पन्नी को आगे की तरफ लेके जा रही हूँ। तो पॉलीथीन को आगे की तरफ करते करते हमने इसको पूरा रोल कर लिया है, और रोल करने के बाद में पूरी पन्नी के अंदर ही हम इसको रोल कर लेंगे, यानी जो पॉली बैग था ना उसके अंदर ही इसको पूरी तरह से रोल करके रखना है। साइड से इसको थोड़ा सा अच्छे से सेट कर देना है, और पॉली बैग को साइड से भी पैक करना है, कुछ इस तरह से जैसे मैं कर रही हूँ। इसके बाद बस दोनों तरफ से इस तरह से पैक कर दीजिए, और इसको कुछ टाइम के लिए फ्रीज़र में सेट होने के लिए रख दीजिए। जैसे ही ये फ्रीजर में से आप इसको निकालेंगे सेट करने के बाद में, तो फिर देखिएगा कैसा बनता है ये। तो अभी फ़िलहाल हम इसको रख देते हैं फ्रीज़र के अंदर, और ये फ्रीज़र में से 5 मिनट के बाद, सिर्फ 5 मिनट रखा है फ्रेंड्स मैंने, 5 मिनट के बाद आप देख सकते हैं इसको मैं निकाल देती हूँ रोल में से बाहर, पॉली बैग से भी बाहर निकाल लेते हैं इसको हम। और ये देखिए फ्रेंड्स कितना शानदार हमारे जो ये स्वीट बनने वाली है ना फेस्टिवल के ऊपर, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही शानदार बनने वाली है, और मुझे उम्मीद है आपको ये पसंद भी आएगी। बस अब क्या करना है, बस कट करते जाइए, जैसे हमको पीसेस के अंदर इसको कट करना है बस वैसे ही। और इसको 5 मिनट से ज़्यादा आप रखेंगे तो बहुत अच्छे से कट होगी, और मैंने तो सिर्फ 5 मिनट के लिए रखा है इसको, और इस तरह से इसको कट करती जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, कर ही लीजिए अभी। और इस तरह से देखिए फ्रेंड्स ये मैंने बना दी है ओरियो और पार्ले जी की शानदार मिठाई, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही शानदार है। मुझे उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आएगी फ्रेंड्स, और एक बार इसे ट्राई ज़रूर करके देखिएगा, पता ही नहीं चलेगा। बस इसमें आपने जो कोकोनट डाला है ना उसका, और कोको पाउडर जो डाला है उसी का टेस्ट आपको ज़्यादा आएगा। तो इससे आपको बिल्कुल लग रही है ना मार्केट वाली बिल्कुल हलवा स्टाइल रेसिपी मिठाई बनी हुई। अब आप इसको बिल्कुल मार्केट जैसी करना चाहते हैं तो इसके ऊपर फॉइल पेपर लगा दीजिए, यानी कि बर्क जो आती है ना चांदी की, उसे लगा दीजिए, तो सच में ये ऐसे ही लगेगी कि आपने बिल्कुल मार्केट से ही इसको परचेज़ करी है। तो फ्रेंड्स एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा।